आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैगन फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और भी काफी क्रिस्पी, और इसको दाल चावल या नॉर्मल रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ही क्विक सी होती है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। बैगन फ्राई लिया हुआ है और इस थाली में देखिए मैंने ग्रेटेड कद्दूकस की हुई अदरक हम यूज करेंगे और कद्दूकस किया ही लहसुन हम यूज करने वाले हैं, एक नींबू इसका यूज करेंगे, बेसन यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर पाउडर थोड़ा सा हम यूज करेंगे, यहाँ पे अमचूर पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और साथ ही साथ इसमें हींग भी मिलाएंगे। मसाले में क्या यूज करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पे फिलहाल मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे, अगर आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैगन फ्राई की। तो अब हम बैगन को कट करेंगे, तो इसके हम पतले पतले स्लाइसेस करेंगे, ध्यान रखिएगा ये ज्यादा मोटे नहीं कटने चाहिए और ज्यादा ही पतले नहीं कटने चाहिए। तो ऐसे करते हुए मैं पूरा बैगन कट कर लूंगी। तो ये सारे बैगन हमने चॉप कर लिए और इसको हम वॉश कर लेते हैं। तो अब हम मसाला रेडी करेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक छोटी कटोरी भर के बेसन लिया हुआ है, थोड़ी सी अजवाइन मिलाएंगे हम, थोड़ा सा जीरा और 2 चम्मच करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर मिलाऊंगी, वो इसलिए इससे क्रिस्पी हो जाएगा। लहसुन कद्दूकस किया हुआ, अदरक कद्दूकस किया हुआ, धनिया, ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम मिलाएंगे इसमें नींबू, हम हींग मिला लेते हैं, इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें बहुत ही हल्का सा पानी मिलाएंगे ताकि ये बेसन पे अच्छे से मसाला जो है चिपक जाए। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और जब ये पेस्ट रेडी हो जाएगा तो हम बेसन को हल्का सा इसमें डाल के इसको डिप करेंगे ताकि इसके दोनों साइड से बेसन अच्छे से लग जाए। और अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हल्का सा गरम करते हैं और बेसन जैसे ही हम बैगन जैसे ही हम बेसन से निकालेंगे वैसे ही हम यहाँ पे पैन में डाल देंगे। हो गया, मैंने एक इसमें डाल दिया है, दूसरा फिर से निकाल के इसको ऐसे डालेंगे, इसको फिर से हम इसमें ऐसे लगाएंगे। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना, बस इतना करना है कि बस बैगन में मसाला थोड़ा सा लग जाए, और इसको यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा सा पैन को भी हम मूव कर देते हैं ताकि तेल जो है तीनों बैगन के स्लाइसेस में लग जाए। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी। और ऐसा लग रहा है कि नीचे से ये बैगन जो एक साइड से ही पक गए हैं, उसको हम पलट देते हैं। कलर ब्राउनिश हो गया है, हाँ तो ये एक साइड से अच्छे से हो गया है, और मैं इसको पलट देती हूँ। और तेल अभी ऑलरेडी पैन में है तो मैं तेल नहीं डालूंगी, इसको फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूंगी। तो एक बार हम और देख लेते हैं, ये हमारे बैगन फ्राई बिल्कुल रेडी हैं, काफी क्रिस्पी से लग रहे हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने 3 निकाली है, ऐसे ही करते हैं बाकी और बैगन भी फ्राई करूंगी। एक चीज और है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पैन यूज किया, अगर आपके घर में तवा है तो आप तवा पे भी इसको बना सकते हैं। ये हमने दूसरा सेट डाल दिया और हम थोड़ा सा फिर से इसको कुछ मिनट के लिए ढक के रखते हैं। तो ये हमने इसको पलट दिया है, एक साइड से ये बहुत ही क्रिस्पी से हो गए, पक गए हैं, और इसको मैं 1 मिनट के लिए फिर से ढक के रख दूंगी ताकि दूसरे साइड से भी ये पक जाए। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे बैगन बिल्कुल ही पक गए हैं, काफ़ी क्रिस्पी से हो गए, इसको मैं फिर से निकाल लेती हूँ। तो ये हमारी बैगन भज्जी बिल्कुल रेडी है, और आपने देखा कि इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा ऑयल होगा, बट अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन वगैरह है तो आप बहुत ही कम ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी होती है। इसको आप नॉर्मल दाल राइस के साथ या सिर्फ रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग घर पे बनाइएगा जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।